पानी सर से गुजर चुका है, बोलना है वो बोलेंगे, मैं मेरी बात करूंगी कि बहुत साल से सह रहे हैं और अब एक मतलब एक हद हो गई यार। अपना ये शो से अगर ऐसा लग रहा है कि उनको कुछ और करना है तो मैं नहीं रोक सकता। ये बड़ी सुंदर लग रही हो, तुम्हारे होंठ बड़े सुंदर, ऐसा लगता है पकड़ के किस कर दो। एंड आई वाज शेकिंग। लेकिन अभी कोई छूटना चाहे तो मैं क्या कर सकता हूँ? पागल हो गई क्या, सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस कर रहे हैं? हाँ तो बहुत मोटी हो गई हो, तुम्हें फैट रिड्यूस करना पड़ेगा। अगर तुम अपना वेट रिड्यूस नहीं करोगी तो हम तुम्हें काम नहीं देंगे, तुम्हारा कल से शूट है, हम तुम्हारा सीन नहीं लगाएंगे। मेरी गरिमा को ठेस पहुँचा के इस तरीके से मुझे निकाला गया एक औरत को, तो मेरे पास 20 डेज में कैसे वेट रिड्यूस होगा इतना? तो बोलते इट्स योर प्रॉब्लम। पिछले कुछ दिनों से तारक मेहता सीरियल काफी चर्चा में है और चर्चा की खास वजह बने हैं असित मोदी और इसके कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स यानी कि इस शो के एक्टर्स, जिनमें से कुछ शो छोड़कर निकल चुके हैं और उनके शो छोड़ने का रीजन सनसनी फैला रहा है। सबसे पहले जो लेटेस्ट अपडेट है हम आपको वो बता दें। ये मामला तब तूल पकड़ा जब जेनिफर मिस्त्री ने असित मोदी के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया। यही बोलूंगी कि मतलब होता ना कि इंसान आप कब तक किसी को दबाओगे, मेंटली सेक्सुअली हरास करोगे। 15 साल हो गए हैं, हमने अपनी जान दी है सीरियल में, सब एक एक कैरेक्टर ने, एक एक वर्कर ने, एक एक यूनिट मेंबर ने, सब ने अपनी जान दी है, लेकिन फिर आप हर चीज में उसमें शोषण करो। भगवान की दया से यू नो ये मुझे ये मिला है, बट ये भगवान की दया, आप सिर्फ निमित्त हो, आप भगवान बनने की कोशिश मत करो। और उसके बाद क्या, जो लोग इतने सालों से चुप बैठे थे धीरे धीरे बाहर आए और लोग असित मोदी और तारक मेहता के प्रोडक्शन के बारे में बातें करने लगे हैं। मोनिका ने जेनिफर को अपना सपोर्ट दिखाया। हाँ, वहाँ रहने वाले कोई सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो उनके लिए काम कर रहे हैं और अगर वो शो में रहना चाहते हैं तो वो सपोर्ट नहीं कर सकते। मैंने तारक मेहता ज्वाइन किया, जो उन्होंने प्रॉमिसेस किए थे वो सारे फेक थे। नंबर ऑफ डेज इतने होंगे, पेमेंट इतना होगा, कुछ भी वैसा नहीं था। अपने लिए काम करवाने के लिए आप उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ मनी और नंबर ऑफ डेज, तो ये गलत है। एक सबका एक ही प्रॉब्लम है शो छोड़ने का, असित जी। और जब वो इंटरव्यू देते हैं, आप उनकी इंटरव्यू उठा के देखिए ना, वो बोलते हैं शो क्यों छोड़ रहे हैं आर्टिस्ट, और फिर क्यों छोड़ने का रीज़न है बस यही होता है कि वो मिसबिहेव करते हैं और फिर बहुत बदतमीजी करते हैं, तो लोगों को लगता है कि नहीं करना है यहाँ पे काम। उसके बाद प्रिया भी आई सामने और सबने अपनी अपनी बात रखी, अपना अनुभव शेयर किया और उनके अनुभव के हिसाब से देखें तो किसी का अनुभव भी सही नहीं था। करते हैं मना, मुझे नहीं किया है क्योंकि वो पता नहीं, मुझे तो शायद शो का हिस्सा ही नहीं मानते हैं। मुझे इनडायरेक्टली मैसेज पहुंचाया गया था कि प्रिया को बोलना कि कुछ ना बोले। पहले मेरे दिमाग में इतना नहीं था कि मैं ना बोलूं, पर ये मैसेज के बाद डेफिनेटली आई डिसाइडेड कि मैं बोलूं। चलिए आपको बताते हैं कि इस शो में अब तक कितने मुख्य कलाकार थे जिन्होंने किसी न किसी वजह से ये शो छोड़ दिया। सबसे पहले बात करते हैं दिशा वकानी की। दिशा दया बेन का किरदार प्ले करती थी जो कि शो का सबसे पॉपुलर कैरेक्टर था। दिशा ने शो बीच में ही छोड़ दिया और आपको बता दें कि आज तक दिशा के वापस आने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। सिर्फ ऑडियंस ही नहीं बल्कि प्रोड्यूसर्स भी यही चाहते हैं कि दिशा ही दया बेन के किरदार में वापस आए, लेकिन इस बात को अब कई साल हो गए हैं और दिशा की तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है और न ही उन्हें रिप्लेस किया गया है। शो के डायरेक्टर मालव राजदा ने 14 साल काम करने के बाद इस शो को छोड़ दिया। सोर्सेज की माने तो मालव को अब कुछ नया एक्सप्लोर करना था। भव्या गांधी जो तप्पू का किरदार निभाते थे, उन्होंने भी इस शो को बीच में छोड़ दिया। भव्या गांधी का किरदार लिया राज अनादकत ने और थोड़े दिन बाद उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया पर इस शो से एग्जिट अनाउंस कर दी। जो सबसे मेन कैरेक्टर है शैलेश लोढ़ा का, जो तारक का रोल प्ले करते थे, शैलेश ने भी शो बीच में छोड़ दिया। खबरों की माने तो पेमेंट टाइम पर नहीं मिल रही थी और इतना ही नहीं मामला कोर्ट तक चला गया। नेहा मेहता जो तारक की वाइफ का रोल प्ले करती थी, उन्होंने भी बीच में ही शो छोड़ा। नेहा ने अपने शो छोड़ने पर उनसे एक्सक्लूसिव बात भी की थी। मैं एक ही चीज चाहती हूँ, जो हमेशा चाहती रहूंगी, के एक्टर्स के साथ सेट पे थोड़ी सी डिसिप्लिन बनी रहे, पावर का दुरुपयोग ना हो। वो तो अब सुशांत सिंह जी के केस में दिखा दिया है, तो हम जैसे हजारों कलाकार तो कहाँ आते हैं बीच में। तो वैसी सिचुएशन में
ग्रेसफुल एग्जिट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर अ स्वमानी पर्सन. आप ऐसे हो, आपने ये क्यों नहीं किया, आपने वो क्यों नहीं किया, वो सब तो मैं करती रहती हूँ, करूंगी. अगर कोई नहीं बोलेगा तो फिर पूरा विश्व पलट जाएगा. और ये हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो कुछ ना कर सके तो चलेगा, पर कुछ कर सके तो कुछ अच्छा ही करे. तो मैं अच्छा ही करने के लिए चुप रहना चाहती हूँ. झील मेहता जो भिड़े की बेटी प्ले करती थी, उन्होंने भी अचानक से शो छोड़ दिया. झील को रिप्लेस किया निधि भानुशाली ने. उसके बाद गुरुचरण सिंह ने भी शो छोड़ा. ऐसा करते करते इस शो से कई किरदार एग्जिट कर गए और सबके अपने अपने रीजन थे. मुनमुन रत्ता भी शो से बाहर चली गई. कयास यही लगाया जा रहा था कि मुनमुन ने शो छोड़ दिया है, लेकिन बाद में पता चला कि मुनमुन ने शो नहीं छोड़ा, बल्कि उनका ट्रैक नहीं था इसलिए वो शो में दिखाई नहीं दे रही थी. लेकिन इंटरनल सोर्सेज की माने तो मामला कुछ ऐसा नहीं था. हाल ही में जेनिफर मिस्त्री, प्रिया आहूजा और मोनिका बदोरिया ने हमसे खुलकर बात की और बताया कि शो के सेट पर और प्रोड्यूसर्स के ऑफिस में आखिर किस तरह का माहौल होता है. मेरे 365 दिन तारक मेहता को रहते हैं. हम 15 साल से, मैंने सब जानते हैं, मैंने बाहर कुछ नहीं किया. जो लोग, कुछ लोग कर भी पाते हैं तो उनका एडजस्टमेंट किस तरीके से करते हैं वो जानते हैं. मैं तो पूछने में भी डरती हूँ कि भैया ठीक है, मैं यही सेफ एंड सिक्योर हूँ, मुझे बाहर पूछना भी नहीं है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे मना कर देंगे सामने वाला भी काम नहीं नो मेरे को वो करेगा. तो आई डोंट टेक वर्क आउटसाइड ऑल्सो. पर द थिंग इज कि 7 मार्च को मैंने जब ये पर्सनल काम था तो मैंने बोला मेरे को हाफ डे चाहिए. तो बोला ठीक है हम ट्राई करेंगे ऐसा वैसा. इनका हाफ डे नहीं होगा तो इवन 2 hours इज एनफ. Okay. I can go and come back because I have my daughter waits for Holi entire year. She उसके लिए सबसे उसका favorite है. मुझे 2 घंटा मेरी बच्ची के साथ होली खेलना है. तो हाँ 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 बोला गया. और उस दिन ऐसे circumstances हुए कि उन लोग ने नहीं किया. मैंने सब कुछ बोला. मैंने बोला कि मैंने कहा सर मुझे आप मतलब कल बुला लो. बोले नहीं. मैंने कहा सर मैं अभी 2 घंटे बाद आ जाती हूँ. नहीं. मैंने कहा सर मेरा क्लोजअप छोड़ दो, मैं थोड़ी ना जेठा लालू कि आप मेरे क्लोजअप के बिना ऑडियंस को फर्क पड़ेगा. नहीं वो भी नहीं कर सकते. एवरीथिंग वो हुआ तो मेरा दिमाग गया कि क्या है यार, मैं क्यों काम कर रही हूँ. अगर मैं 15 साल देने के बाद मेरी बच्ची को 2 घंटा नहीं दे सकती हूँ तो इट्स यूजलेस वर्किंग हियर. आई टोल्ड माय हस्बैंड, आई कॉल्ड हिम, ही सेड कि जेनी आ जाओ घर. तो मैंने बोला कि इन लोग मेरा पैसा रोक लेंगे 3.5 महीने का. तो उसने बोला जेनी आ जाओ वापस. किसी ने हमारा कुछ बुरा किया होगा उसके लिए भी हमारे हृदय में कोई भी घृणा नहीं है. तो और ये पूरी पूरी जिम्मेदारी है मिस्टर मोदी की शो चलाए, हक है उनका. असित मोदी जब भी मीडिया से मिले उन्होंने अपना क्लैरिफिकेशन अलग ही दिया. कभी किसी की पर्सनल लाइफ तो कभी किसी की प्रोफेशनल चॉइस, बट कभी भी खुलकर इन सब बातों पर बात नहीं की. अभी आप जानते हैं दया बेन की हमको खुद को भी जरूरत है, दया बेन की शो को जरूरत है, दया बेन की हमारे दर्शकों को जरूरत है. और मैं खुद दया बेन को बहुत मिस करता हूँ. लेकिन कुछ हालात ऐसे थे, कोविड का समय था और बहुत सारी सिचुएशन ऐसी थी कि थोड़ा हमको तकलीफ हो रही थी. हम बिल्कुल भी ये नहीं चाहते कि दया भाभी ना हो. दया बहन ये शो का एक पार्ट है और वो जल्दी से जल्दी हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी हमारे दर्शकों के सामने हो और वही हंसी के फुहारे छूटे और आप लोग को मज़ा आएगा. देखिए मैं तो चाहूँगा कि भाई वही दया बहन आएंगे तो बहुत अच्छा होगा. ईश्वर को मेरी वही प्रार्थना है कि दर्शक आपको चाहते हैं तो वही आए तो बहुत अच्छी बात है. लेकिन वो दया बहन को भी शायद शादी हो गई, अभी दूसरा बच्चा भी आ गया. तो हो सकता है अगर उनको पारिवारिक अगर कुछ तकलीफ हो तो वो नहीं आ पाएंगे. तो हमको उसका स्वीकार करना पड़ेगा क्योंकि देखो समय के हिसाब से सबको आगे चलना चाहिए. मैं चाहता हूँ कि वो खुद आए. नहीं आ सकते तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, जो भी दया भाभी आएगी वो आपको अच्छा मनोरंजन देंगे. तारक मेहता का उल्टा चश्मा के लिए भी वो शानदार साबित होंगे, ये मेरा आपको वादा है. हमेशा रेटिंग में नंबर 1 पे रहने वाला शो धीरे धीरे रेटिंग पर ड्रॉप होता गया. जैसे जैसे एक्ट्रेस निकले वैसे वैसे शो भी नीचे गिरता गया. अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता कि दया बहन कब आएंगी. और जिस तरह से लोग जा रहे हैं उस हिसाब से तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि जेठालाल कब तक रहेंगे. अब इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो तभी पता चलेगा जब असित मोदी खुद सामने आए और खुलकर बात करें.